पानसेमल में विकास खंड स्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कैंसर, सर्जिकल, स्त्री रोग, शिशु रोग, दंत रोग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, डायबिटीज व 0 से 18 वर्ष के बच्चों की 4D स्क्रीनिंग व मानसिक रोग विशेषज्ञ द्वारा परीक्षण किया गया। रक्तदान, नेत्रदान, देहदान व लेबोरेटरी जांच तथा आवश्यक दवाइयों का वितरण किया गया। स्वच्छता, परिवार कल्याण की जानकारी दी गई। नसबंदी एवं एड्स जैसी गंभीर बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में जिले के प्रसिद्ध योग शिक्षक कृष्णकांत सोनी द्वारा योग के बारे में जानकारी दी व शरीर को स्वस्थ रखने व बीमारियों से बचने के उपाय बताए। शिविर में हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया व अपनी जांच करवाई। मीडिया से बात करते हुए सांसद गजेंद्र पटेल ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर विकास खंड में स्वास्थ्य मेले को आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे कि बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से हर इंसान स्वस्थ रहे। पानसेमल से शरद चित्ता की रिपोर्ट। तो शिविर को लेकर कुछ कहेंगे? जिले का आज पानसेमल विकास खंड में तीसरा स्वास्थ्य शिविर है। इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से हम सभी तरह की बीमारियों का इलाज जनता को पहुँचाना चाह रहे हैं। अभी तक 943 लोगों का पंजीयन हो चुका है, जिसमें कई सारी गर्भवती माताएं भी आज इस स्वास्थ्य मेले का लाभ लेने आई है। हमारे द्वारा सेक्टर वाइज 4 अलग अलग पंजीयन काउंटर बनाए गए हैं, जहाँ पर इनका पंजीयन किया जा रहा है। पंजीयन के साथ ही इस स्वास्थ्य मेले में लोगों की डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने का भी कार्य किया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड बनाने का भी काउंटर लगाया गया है, जहां पर CRS आयुष्मान भारत कार्ड बना रहे हैं। आधार कार्ड की भी व्यवस्था है और समग्र आईडी की भी, जिनको नए बनाने हैं वो नए भी बनवा सकते हैं। और जिनके आधार या समग्र में कुछ चेंजेस कराना है, जैसे मोबाइल नंबर का या कुछ चेंजेस कराना है, तो वो व्यवस्था भी आज रखी गई है। जिला अस्पताल से मेडिकल बोर्ड बुलाया गया है, ताकि दिव्यांग लोगों को यदि कोई सर्टिफिकेट बनाना हो तो वो भी हम आज बना सकते हैं। नेत्र चिकित्सक हैं यहाँ पे, चश्मे का नंबर भी निकाला जा रहा है। अगर किसी को चश्मे का नंबर चेक कराना है तो वो भी निकाल करके चश्मे का जो वितरण चलो। क्या प्रोग्राम था, क्या विशेषता थी आज? मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज जी के द्वारा मध्य प्रदेश की जनता के लिए उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, वो निरोगी रहे, उनका उपचार सही समय पर सही जगह पर हो जाए, उसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया। और उसी के तहत मेरे बड़वानी जिले के पानसेमल ब्लॉक का ये शिविर था। मेरे साथ यहाँ के पूर्व विधायक आदरणीय भगवान सिंह जी, हमारे कन्हैया जी, आदरणीय श्याम जी, आदरणीय लोकेश जी, आदरणीय अनुज जी, सब पार्टी के सभी प्रमुख यहाँ पर उपस्थित थे और आम जनता का भी समावेश यहाँ पर हजारों की संख्या में है। निश्चित तौर पर एक ऐसी सफलता जिसके बारे में कहा जा सकता है कि सरकार ये सोच रही है कि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना कालखंड निकला और जिस प्रकार से कोरोना कालखंड का ध्यान में आया कि लोगों का स्वास्थ्य कितना अच्छा रहना चाहिए, उसको ठीक करने के लिए क्या क्या प्रयास होना चाहिए, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने विदेश के लिए बहुत प्रयास किए। और उसी को लेकर छोटी छोटी बीमारियाँ हो, सर दर्द हो, बुखार हो, ऐसे कई चीज़ों का प्राथमिक जाँच हो जाए और प्राथमिक जाँच के उसका उपचार हो जाए, और उसी को लेकर मेला आयोजित किया गया। इस मेले में हजारों की संख्या में पानसेमल ब्लॉक के हमारे भाई और बहन और युवा साथ उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर इस मेले के आयोजन में उनके प्राथमिक उपचार उनका किया जाए। क्या घोषणा भी की गई आपके द्वारा स्वास्थ्य विभाग? निश्चित तौर पर ये तो तय है कि जब से सांसद हूँ तब से हम लगातार विकास काम के लिए काम कर रहे हैं, और पिछले 2 साल से कोरोना कालखंड को भी हमने झेला है, और इसलिए मैंने मेरी सांसद निधि की 1.5 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा निधि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दी है। बड़वानी के जिला चिकित्सालय में हमने 50 लाख रुपए दिए हैं, हमने एम्बुलेंस के लिए हमने पूरे बड़वानी खरगोन पैसा दिया है, और इसी के तहत रोगी कल्याण समिति जो लोगों के स्वयं की प्रेरणा से एक समिति बनती है, उसमें भी मैंने अपनी तरफ से कुछ नीति देने की घोषणा करी और लोगों ने भी उसमें बढ़कर हिस्सा लिया। और मैं आपके माध्यम से भी पानसेमल की जनता से आग्रह करता हूँ कि जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो हम लोगों के लिए, हमको ही वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएँ देना है, इसलिए खुलकर मदद करें। निश्चित तौर पर इस प्रकार के दान और छोटे छोटे शुभदान से ही हम हर व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।